Hi everyone, it's me Shilpi and I welcome you all to my channel RAS Tayari with Shilpi. आज हम new topic से start करेंगे जो कि है world geography. बहुत छोटा सा topic है, easily 2-3 days में हम इसको complete कर लेंगे. So let's begin. अब इसका जो syllabus है इसमें चार topics है mainly. First है broad physical features जिसमें mountains, plateaus, plains, lakes and glaciers है. Second है earthquakes and volcano. Earthquake होता क्या है, volcano होते क्या है, उनके types, their distribution and their impact. Then comes earth and its geological time scale. And last one is current geopolitical problem जो world में अभी currently जो geopolitical problem जो चल रही है उसके बारे में हम discuss करेंगे. वो current affairs से related topic है. So आज हम छोटा सा topic लेंगे volcano. सॉरी उसको स्टार्ट कर लेंगे. सो लेट्स बिगिन. वोल्केनो होता क्या है? वोल्केनो एक तरह का ओपनिंग है, एक वेंट है जिसके थ्रू अर्थ में जो भी मटेरियल हीट अप हो रहा है अर्थ के इंटीरियर में वो बाहर आता है उस वेंट के थ्रू, उसे हम कहते हैं वोल्केनो. उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. अ वोल्केनो इज़ अ वेंट और अ ओपनिंग. इट इज़ यूजुअली और नियरली सर्कुलर इन फॉर्म थ्रू विच हीटेड मटेरियल्स विच कंसिस्ट ऑफ गैस, वाटर, लिक्विड लावा, फ्रैगमेंट्स ऑफ रॉक्स आर इजेक्टेड द हाईली हीटेड इंटीरियर टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ. अब वोल्केनिसिटी क्या होती है? वोल्केनिसिटी एक ब्रॉडर मैकेनिज्म है. वो सारे प्रोसेस जो भी वोल्केनो से रिलेटेड है वो उस टर्म के अंदर हम पढ़ते हैं. उस प्रोसेस को हम कहते हैं वोल्केनिसिटी. देन कम्स कंपोनेंट्स ऑफ वोल्केनो. वोल्केनो के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? वोल्केनिक कोन होता है, वोल्केनिक वेंट होता है, वोल्केनिक पाइप होता है, क्रेटर होता है. सो अब हम इसको देखते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे वोल्केनिक कोन. वोल्केनिक कोन ऐसे कोन टाइप के शेप का होता है. उसके बाद में वोल्केनिक वेंट, जो ओपनिंग है, माउथ है इसका कोन का, वो वोल्केनिक वेंट है और ज़्यादा बड़ा साइज होता है उसका तो वो क्रेटर उसको हम कहते हैं. देन वोल्केनिक पाइप, उसके थ्रू सारा जो भी लावा के अलावा वोल्केनिक डस्ट है, एशेस है, फ्रेगमेंटेड मटेरियल्स हैं और पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स है, ये सब इसके थ्रू आता है बाहर. यहाँ नीचे मैग्मा चैम्बर होता है, इस डायग्राम में नहीं दिया हुआ है बट मैग्मा चैम्बर में सारी चीज़ें हीट अप होती है और उस पाइप के थ्रू बाहर आके इरप्ट हो जाता है. सो ये वोल्केनो के कंपोनेंट्स हो गए. अब है क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्केनोज. वोल्केनो के क्लासिफिकेशन हम दो पर बेस्ड होंगे. सबसे फर्स्ट है ऑन द मोड ऑफ इरप्शन, कि इरप्शन होता कैसे, उसका मोड क्या है. और सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ द पीरियोडिसिटी ऑफ इरप्शन, कि इरप्शन कितने कितने पीरियड्स के इंटरवल पे हो रहा है उसके बेसिस पे. तो फर्स्ट वाला जो है मोड ऑफ इरप्शन वो भी फर्दर जाके टू में डिवाइड है. फर्स्ट इज सेंट्रल इरप्शन टाइप और एक्सप्लोजिव टाइप, मतलब सेंट्रल एक पाइप के थ्रू ही इरप्शन होगा. और दूसरा है फिशर इरप्शन टाइप और क्वाइट इरप्शन टाइप. फिशर वाले में क्या होगा कि कोई भी फ्रैक्चर से लीकेज होकर या कोई भी रॉक्स में फॉल्ट है उससे लीकेज होकर सेवरल वेंट होते हैं उसके थ्रू जो इरप्शन होता है वो फिशर इरप्शन टाइप में हम पढ़ेंगे. तो सेंट्रल इरप्शन टाइप के हम पहले देखते हैं. ये पांच में डिवाइडेड है, हवाइन टाइप, स्ट्रोम्बोलियन, विल्केनियन, पीलियन, विसुवियस टाइप. और फिशर इरप्शन टाइप है लावा फ्लड और लावा फ्लो, मड फ्लो या फ्यूमारोल्स. और उसके बाद में जो पीरियोडिसिटी के बेसिस पर जो हमने डिवाइड करा है वो है एक्टिव वोल्केनोज, डोमेंट वोल्केनोज और एक्सटिंक्ट वोल्केनोज. अब हम इनको एक एक करके देखेंगे. सबसे फर्स्ट है वोल्केनोज ऑफ सेंट्रल इरप्शन. अब है सेंट्रल इरप्शन टाइप. सेंट्रल इरप्शन टाइप वोल्केनोज में क्या होता है, एक सेंट्रल पाइप और की जो स्मॉल ओपनिंग होती है उसके थ्रू पूरा पायरोक्लास्टिक मटेरियल अर्थ के बाहर आता है. सो इसके टाइप्स हम सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे हवाइन टाइप. ये हवाई आइलैंड पर जितने भी वोल्केनोज है उसके बेसिस पे नाम दिया है हवाइन टाइप. ये बहुत क्वाइटली इरप्ट होते हैं, धीरे धीरे स्मोक और गैसेस बाहर निकलता है, उसके बाद में सारे पायरोक्लास्टिक मटेरियल बर्स्ट हो जाते हैं. सेकेंड है स्ट्रोम्बोलियन टाइप. इसका नाम दिया है एक मेडिटेरेनियन सी में एक आइलैंड है लिपारी आइलैंड, उस पर स्ट्रोम्बोली वोल्केनो सिचुएटेड है, उसके बेसिस पे स्ट्रोम्बोलियन टाइप दिया है. वो बहुत मॉडरेट इंटेंसिटी से इरप्ट होते हैं लावा के साथ साथ दूसरे मटेरियल जैसे कि प्यूमिक, स्कोरिया, बॉम्ब्स, ये सब भी इजेक्ट होते हैं अप टू द ग्रेटर हाइट, अप टू सेवरल मीटर्स इन द स्काई. थर्ड है विल्केनियन टाइप. ये वोल्केनो ग्रेट फोर्स और इंटेंसिटी के साथ इरप्ट होते हैं. इस
के लावा का नेचर होता है बहुत विस्कस और पेस्ट्री होता है, तो वो निकलते ही थोड़े टाइम में सॉलिडिफाई हो जाते हैं, और दो इंटरवल जैसे कि फर्स्ट इरप्शन हो गया, फिर उसके थोड़े टाइम बाद कभी भी हो सकता है, इरप्शन जल्दी भी हो सकता है या थोड़ा लेट भी हो सकता है या कई ईयर्स भी लग जाते हैं, तब तक वो पहले वाला जो इरप्शन हुआ था उसका लावा बहुत जल्दी सॉलिडिफाई हो जाता है, और कई बार तो लावा बेस तक नीचे बाहर तक पहुंच ही नहीं पाता है, वो जो वेंट होता है उसके ऊपर ही प्लग बना लेता है। तो ये वल्केनियन टाइप है। ये किस किसके ऊपर नाम दिया गया है? लिपारी आइलैंड में ही एक और वल्केनो है, उसके नाम पे वल्केनियन टाइप दे दिया है। देन पीलियन टाइप। पीलियन टाइप सबसे ज़्यादा वॉयलेंट और एक्सप्लोजिव टाइप्स ऑफ वॉल्केनो होते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें धमाके होते हैं जब वो फटता है वॉल्केनो, तब इजेक्टेड लावा बहुत विस्कस और पेस्ट्री होते हैं। पीलियन टाइप भी नाम दिया है पीली वॉल्केनो, जो कि कहाँ स्थित है? मार्टिनिक आइलैंड इन द करेबियन सी। फिर है विसुवियस टाइप। अब विसुवियस टाइप में होता क्या है? दे आर मोर और लेस सिमिलर टू वल्केनियन एंड स्ट्रोम्बोलियन टाइप ऑफ वॉल्केनोज। द डिफरेंस लाइज ओनली इन द इंटेंसिटी ऑफ एक्सप्लोजन ऑफ लावास एंड गैसेस। सो दे आर एक्सट्रीमली वॉयलेंट एक्सप्लोजन ऑफ लावा एंड गैसेस इन द विसुवियस टाइप ऑफ वॉल्केनो। उसके बाद में है फिजर इरप्शन टाइप ऑफ वॉल्केनो। ये पहले भी मैंने अभी जब अपन ने डिस्कस किया था उसमें बताया था कि एक वेंट नहीं होता, सेवरल वेंट्स होते हैं। कोई भी रॉक में थोड़ा सा फ्रैक्चर है या फॉल्ट है, उसके थ्रू लावा एस्केप करके बाहर निकल जाता है, तो वो फिशर टाइप के वॉल्केनो होते हैं। अब इसमें तीन दे रखे हैं। फ्यूमारोल्स होता है। फ्यूमारोल्स में क्या होता है कि जो भी गैसेस है, वेपर्स है, वो निकलना स्टार्ट होती है थ्रू अ वेंट, इट इज़ फ्यूमारोल्स। देन सेकेंड इज लावा फ्लो। इट इज़ अ मूविंग आउटपोरिंग ऑफ लावा क्रिएटेड ड्यूरिंग अ नॉन एक्सप्लोजिव इफ्यूसिव इरप्शन। हाउ फार अ लावा फ्लोज, इट डिपेंड्स अपॉन द फ्लो टेम्परेचर, सिलिका कॉन्टेंट, एक्सट्रूशन रेट एंड द स्लोप ऑफ द लैंड। कितना दूर तक लावा फ्लो होगा, कहाँ तक वो जाएगा, वो टेम्परेचर पे बेस्ड होता है, उसमें कितना सिलिका कॉन्टेंट है, उस लैंड की स्लोप कैसी है, उस पर डिपेंड करता है। देन थर्ड इज मड फ्लो, जिसको हम लहर भी कहते हैं। डेब्रिज फ्लो ऑफ वॉल्केनिक मटेरियल विच इज सेचुरेटेड विथ वाटर ऑन वॉल्केनिक कोन इज लहर। अब थर्ड क्लासिफिकेशन हमारा था ऑन बेस्ड ऑन द पीरियोडिसिटी ऑफ इरप्शंस। उसमें फर्स्ट है एक्टिव वॉल्केनोज, जो कॉन्स्टेंटली इरप्ट होते रहते हैं विद इन द शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। दे इजेक्ट वॉल्केनिक लावा, गैसेस, एशेस, फ्रेगमेंटेड मटेरियल्स। इसका एग्जाम्पल है स्ट्रॉम्बोली एंड माउंट एटना। सेकेंड इज डोरमेंट वॉल्केनोज। डोरमेंट वॉल्केनोज ऐसे होते हैं कि वो एक बार इरप्ट होके दे बिकम क्वाइट, और अंदर ही अंदर कुछ एक्टिविटीज चलती रहती है, तो हमको लगता नहीं है कि फ्यूचर में कभी इरप्ट होगा, बट सडनली दे इरप्ट वेरी वायलेंटली एंड दे कॉज एनॉर्मस डैमेज टू ह्यूमन हेल्थ एंड वेल्थ। इसका एग्जाम्पल है विसुवियस वॉल्केनो। थर्ड इज एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। व्हेन देयर इज नो इंडिकेशन ऑफ फ्यूचर इरप्शंस, द क्रेटर बिकम्स फिल्ड विथ वॉटर एंड क्रेटर लेक इज फॉर्म्ड, बट इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट नो वॉल्केनो कैन बी डिक्लेयर परमानेंटली डेड एज नो वन नोज वॉट इज हैपनिंग बिलो द ग्राउंड सर्फेस। अब हम वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोज देखेंगे। बेस्ड ऑन द प्लेट टेक्टोनिक्स की बेस जो थियरी है, उसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि वल्केनिसिटी का जो प्रोसेस है और प्लेट मार्जिन्स के बीच में बहुत ही क्लोज रिलेशन है, जिससे हमको ये पता चलता है कि जो भी प्लेट बाउंड्रीज है ना, उसी पे सबसे ज़्यादा वर्ल्ड के एक्टिव वॉल्केनोज वहीं पर स्थित होते हैं। सो अबाउट 15% ऑफ द वर्ल्ड्स एक्टिव वॉल्केनो दे आर फाउंड अलॉन्ग द कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स और डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन्स। इसका मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव का मतलब कुछ कंस्ट्रक्ट हो रहा है, कुछ बन रहा है, मतलब नई प्लेट बन रही है। कब बनती है नई प्लेट? जब टू प्लेट्स दे मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। वेयर एज 80% ऑफ द वॉल्केनोज, जो वर्ल्ड के 80% वॉल्केनोज हैं, दे आर एसोसिएटेड विद द डिस्ट्रक्टिव और कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। डिस्ट्रक्टिव मतलब कुछ डिस्ट्रक्ट हो रहा है, कुछ ख़त्म हो रहा है। तो कब ख़त्म होगा? जब दो प्लेट्स आपस में कोलाइड होगी, तभी तो कुछ ख़त्म होगा। सो 80% आर एसोसिएटेड विद द डिस्ट्रक्टिव, वाइल 15% ऑफ द वॉल्केनोज दे आर द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनोज, दे आर associated with the constructive plate boundaries, मतलब कुछ नई जब plate boundaries जहाँ बनती है उस जगह पर वो volcano स्थित होते हैं। अब हम briefly
जो चार टाइप्स में डिवाइडेड है वर्ल्ड के जो वॉल्केनोज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमने उनको चार में डिवाइड करके पढ़ेंगे, लेकिन इस डायग्राम में मैंने तीन ही बता रखे हैं, और इसमें एक गलत भी है, मिड अटलांटिक नहीं है, वो मिड कॉन्टिनेंटल है। ठीक है, ये मिड कॉन्टिनेंटल है, मिड अटलांटिक को हम ऐसे ही वर्बली पढ़ लेंगे, बट ये मैप की मदद से अगर हम इन वर्ल्ड ये वॉल्केनोज का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं तो बहुत इजी हो जाता है, हमको याद करने में भी बहुत इजी रहता है। तो इसमें फर्स्ट हम देखेंगे सर्कम पैसिफिक बेल्ट। अब सर्कम पैसिफिक बेल्ट नाम से ही पता चल रहा है, जो पैसिफिक ओशन के सराउंडेड जो एरिया है, जो कि है अपना वेस्टर्न एरिया ऑफ द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकाज एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द एशिया ऑस्ट्रेलिया, ये वाला जो पार्ट है ये पैसिफिक ओशन को सराउंड करता है, तो ये सर्कम पैसिफिक बेल्ट वाले एरिया में आते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज द वोल्केनिक जोन्स ऑफ द कॉन्वर्जेंट ओशियनिक प्लेट मार्जिन्स। ध्यान से सुनना, कॉन्वर्जेंट ओशियनिक प्लेट बाउंड्रीज। कॉन्वर्जेंट मतलब डिस्ट्रक्टिव, जहाँ प्लेट बाउंड्रीज आपस में कोलाइड हो रही है। कौन सी? ओशियन ओशियन। ठीक है, इट इंक्लूड्स द वॉल्केनोज ऑफ द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न कोस्टल एरियाज ऑफ द पैसिफिक ओशियन। ये पैसिफिक ओशियन इधर से इधर भी जा रहा है, मतलब ये इधर मुड़ के इधर वाला पार्ट ही हो गया ना। ये पैसिफिक ओशियन को जो सराउंड करते हुए जो एरिया है वो, ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ये अंटार्कटिका में माउंट एल्ब्रस है, वहाँ से स्टार्ट होता है, और इट रन्स टूवर्ड्स द एंडीज एंड द रॉकीज माउंटेन्स ऑफ द साउथ एंड द नॉर्थ अमेरिका, जहाँ ये अलास्का में पहुँच कर ये ईस्टर्न जो ये एशिया वाला कोस्ट है, जापान का है, कोरिया वगैरह वाला कोस्ट है, वहाँ पर ये टर्न हो जाता है। इसको फायर गिडल ऑफ द पैसिफिक भी कहते हैं, या फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक भी कहते हैं। अब सेकेंड हमारा है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, इसको हम क्या कहते हैं? वोल्केनिक जोन्स ऑफ द कॉन्वर्जेंट कॉन्टिनेंटल प्लेट मार्जिन्स। कॉन्वर्जेंट का जहाँ नाम आता है तो कॉन्वर्जेंट या डिस्ट्रक्टिव कॉन्टिनेंटल प्लेट मार्जिन्स। डिस्ट्रक्टिव कॉन्टिनेंटल मतलब जो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट की प्लेट है वो आपस में कोलाइड होगी, तो वो हो जाएगा कॉन्टिनेंटल प्लेट मार्जिन्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो अफ्रीकन ये रही, ये अफ्रीकन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है, और ये इंडियन प्लेट है, ये एक दूसरे की तरफ मूव करके आपस में ये कोलाइड होती है, तो ये मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट है। ठीक है, ये वाला पूरा, ये मिड अटलांटिक नहीं है, ये मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट है। तो मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में क्या होता है कि कौन कौन से वॉल्केनोज इसमें इंक्लूड होते हैं? जो मेडिटेरेनियन सी में जो हमने पहले डिस्कस करे माउंट एटना वगैरह, और एगन सी यहाँ पर है, एगन सी में जो वॉल्केनो है वो इसमें इंक्लूड हो रहा है, स्ट्रोम्बोलाई, विसुवियस, ये सारे वॉल्केनो इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, और जो ये अल्पाइन माउंटेन्स है ना, इनके वॉल्केनो भी इसमें इंक्लूड होते हैं। देन तीसरा अब हम पढ़ेंगे मिड अटलांटिक बेल्ट। ये रहा मिड अटलांटिक बेल्ट, ये अटलांटिक ओशन ऐसे एस शेप्ड में होता है। ठीक है, मिड अटलांटिक बेल्ट विच रिप्रेजेंट द स्प्लिटिंग जोन ऑफ प्लेट्स, मतलब ये प्लेट्स का स्प्लिटिंग जोन से, इधर से प्लेट एक दूसरे के ऑपोजिट मूव कर रही है। दस द वॉल्केनोज मेनली ऑफ फिशर इरप्शन टाइप्स अकर अलॉन्ग द कॉन्स्ट्रक्टिव और डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन्स। ध्यान रखना है हमको, कॉन्स्ट्रक्टिव मतलब नई प्लेट बन रही है, और डाइवर्जेंट ये इधर डाइवर्ज हो रही है, आपस में एक दूसरे से दूर जा रही है ये प्लेट्स। सो ये मिड अटलांटिक रिज का फॉर्म है। ठीक है, अब इसके अलावा भी एक टाइप का वो होता है वॉल्केनो, वो इंट्रा प्लेट वॉल्केनो होती है, जो किसी भी प्लेट मार्जिन्स पे नहीं होती, ये प्लेट के बीच में होती है, जैसे कोई भी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स पर होती है। दे आर स्कैटर्ड वॉल्केनोज, दे आर ऑल्सो फाउंड इन द इनर पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट। इसका एग्जाम्पल है हमारे यहाँ ये बेसाल्टिक ये लावा फ्लड प्लेन्स है ना, हमारे डेक्कन प्लेट्यू के, किम्बरले इन ऑस्ट्रेलिया, ड्रेकेंसबर्ग, किलिमंजारो इन ईस्टर्न अफ्रीका, पैराना, पैटागोनियन, ये सारे इंट्रा प्लेट वॉल्केनोज के एग्जाम्पल है। सो ये हो गया वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनो। अब है इम्पैक्ट ऑफ वॉल्केनो।
सबको पता है वॉल्केनो है तो डिस्ट्रक्शन होगा, डिवास्टेशन फैलाएगा. इट कंटेन्स ह्यूज वॉल्यूम ऑफ हॉट एंड लिक्विड लावास. दे आर मूविंग एट कंसिडरेबली फास्ट स्पीड. दे ब्यूरी ह्यूमन स्ट्रक्चर्स. दे किल पीपल एंड एनिमल्स. जंगलों में आग लग जाती है. दे प्लग रिवर्स एंड लेक्स. दे बर्न एंड डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट, एग्रीकल्चरल फार्म्स. ये सब चीज़ें इससे कॉज होगी. जब भी वॉल्केनो इरप्ट होता है तो उसके पहले या बाद में अर्थक्वेक कॉज होते हैं, जिससे कि डिस्ट्रक्टिव सुनामी वेव्स जनरेट होती है, विच कॉजेज इन्यूमरेबल डेथ्स ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अफेक्टेड कोस्टल एरियाज. उसके बाद में जो ग्रेटर अमाउंट ऑफ जो वॉल्केनिक डस्ट और एशेस जो जनरेट होता है, उससे अर्थ के रेडिएशन बैलेंस में भी चेंजेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ह्यूज क्लाइमेटिक चेंज कॉज होते हैं. इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रीचिंग द अर्थ सरफेस एज दे स्कैटर एंड रिफ्लेक्ट सम अमाउंट ऑफ इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन. इसके अलावा बहुत सारे और कॉजेज होते हैं, बट ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आई हैव डिस्कस्ड देम हियर. सो वॉल्केनो का ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है. अब नेक्स्ट हम अर्थक्वेक वाला देखेंगे. So that's all for today. Thank you.